वाहिगुरु जी। अभी हम आ चुके हैं तरन तारण गुरुद्वारा, देख लो गुरुद्वारा। यहाँ आप गुरुद्वारे में अभी मत्था टेक सकते हो हमारे थ्रू। हम भी अभी जा रहे हैं अंदर। वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण हमने इस वीडियो को दो पार्ट में कर दिया है। कृपया वीडियो पूरी देखें और अपने मोटिवेशन हमारे साथ में शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल का ब्लॉग देख लिया है और वो ब्लॉग आपको आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत उसके अंदर इमोशनल है, क्योंकि ब्लॉग नहीं देखा तो देखना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। जलियांवाले बाग का है, हरमंदर साहिब का है, गोल्डन टेंपल। और आज इस ब्लॉग में हम लोग दो गुरुद्वारे और कवर करेंगे, जो कि अभी नहीं बताऊँगा मैं कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। बस मैं इतना बता देता हूँ कि हम लोग अभी अमृतसर में ही हैं और आज हम दो गुरुद्वारे और कवर करेंगे आज के ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉग पूरा देखना, एंजॉय करना और हमारे साथ में आप भी गुरुद्वारों के दर्शन करना। तो गाइस चलो, भाभी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड़िया भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग परम, गुड मॉर्निंग सीरत। अभी फ़िलहाल वो बहुत नींद में हो रही है। तो गाइस चलो, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं अब, और कल का हमारा जो प्लान था, जो कि आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। तो गाइस सपोर्ट करो और वीडियो लाइक करो, और अगर नहीं देखा ब्लॉग देख के, कमेंट में जय हिंद ज़रूर रखना। मिलते हैं, हम फटाक से जाएंगे और आपको गुरुद्वारे दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हमें भी नहीं पता था इतना ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाएगा। हमने अपना जाने का बहुत ही प्लान कर लिया था, पर हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हमें दर्शन भी करने हैं और आपको दर्शन कराने भी हैं। तो चलो, मैं आपको आज का वेदर दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो बाहर का कैसा हो रखा है। साइड हो जाओ, गेट के पास में तैयार होना होता है क्या? रोशनी यहाँ पे अच्छी आ रही है। रोशनी आज जाओ, साइड हो जाओ, चलो चलो, हमें ब्लॉग बनाना है अभी। तो चलो गाइस, मैं आपको बाहर का माहौल दिखा देता हूँ कैसा हो रखा है। इस टाइम पे वेदर देखना कैसा हो रखा है। चलो बैक कैमरा करता हूँ मैं। अभी जो आप देख रहे हो, देखो ये बाहर का वेदर है किस तरीके का हो रखा है। बारिश देख लो कैसी हो रखी है। सामने गुरुद्वारा है, वाहिगुरु जी बाबा जी मेहर करन सकते। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया आपको कि अभी हम बाबा दीप सिंह जी का जो गुरुद्वारा है अमृतसर में ही, हम उनके गुरुद्वारे के जस्ट सामने ही हैं। बाबा दीप सिंह निवास नाम है जगह का, देख लो ये है, ये फ्रंट है बाबा दीप सिंह निवास। तो आज का वेदर गाइस आप खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हो किस तरीके का हो रखा है, बट फिर भी हम लोग जाएंगे आज। हमें अभी दो गुरुद्वारे और कवर करने हैं, वहाँ भी हमें दर्शन करने जाना है आज। और दर्शन आपको कराने भी हैं। ये जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे जोड़ा घर है बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे का, और यहाँ से इंटर है, एंट्रेंस होता है सामने, उधर अंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के जस्ट पीछे की साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लंगर घर है। वो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है आपको बैनर में,
इधर लंगर घर है। तो चलो गाइस जल्दी से हम भी अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अभी होटल लेना है जाके, क्योंकि यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, हमें अभी होटल चेंज करना है, क्योंकि अभी हम बाबा दीप सिंह जी के निवास में थे। बहुत से लोगों को नहीं पता ये क्या होता, तो मैं बताता हूँ। एक ये धर्मशाला टाइप होता है, बट ये गुरुद्वारे की तरफ से दिया जाता है। जो लोग बहुत दूर से आते हैं उनके लिए निवास होता है, यहाँ पे रहने की जगह होती है। आप आओ, अपनी आईडी प्रूफ दिखाओ, आप रह सकते हो यहाँ पे। जितने दिन के लिए स्टे करना आप स्टे कर सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइस होता है इनका। और तो अभी के लिए फ़िलहाल सब रेडी है। सब रेडी हो ना आप? रेडी हो परमा? तो पाजी अपने निकल चुके हैं। और रात को हमने एक होटल देखा था, वहाँ पे पास में था वो श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के। तो अभी हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और वहाँ पे अभी हमारा सामान वगैरह भी रेडी हो चुका है, हमें वहाँ होटल शिफ्ट करना है फिलहाल। फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे अभी गुरुद्वारे के लिए। तो गाइस ऐसे ही ब्लॉग को एंजॉय करना, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वाहेगुरु जी मेहर करना। चलो हम लोग अब फटाक से रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं अपने होटल में, और वहाँ पे हम सामान रख के फिर हम गुरुद्वारे जाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे के सामने, जहाँ पे हमने स्टे करा है। तो हम यहाँ पे आपको मिलवाते हैं किसी से, जिनसे हमने यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जाना है कि हम लोग कहाँ पे घूम सकते हैं, कहाँ पे हम लोग अच्छा खा पी सकते हैं, यहाँ के बारे में क्या है खासियत। तो थोड़ा बहुत हमने जान लिया है, बट वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम आपको मिलवा देते हैं उनसे, ठीक है। तो चलो हम लोग जल्दी से उनको लेके उनके पास लेके चलते हैं, उनका नाम वगैरह आपको बता देते हैं। और पाजी क्या हाल है? बढ़िया। तू आया बैठे? कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है। अभी उनका क्या है ना कि वो थोड़ा बहुत हेजिटेशन करते हैं ब्लॉग में आने के लिए, क्योंकि उनको उनको अभी अच्छा सा मतलब कि लग तो बहुत रहा, खुश तो बहुत हो रहे हैं। देखो ब्लॉग में आने के लिए खुश तो बहुत हो रहे हैं, बट क्या है ना कि अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं पहली बार कैमरे के सामने आ रहा हूँ तो नहीं बोला जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जितना होगा। अब आओगे कैमरे के सामने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण। सरवण नाम है इनका। चलो गाइज आपको नाम तो पता चल ही गया, तो चलो आज हम चलते हैं जहाँ पे हमने आपको ब्लॉग में बताया है। वाहेगुरु जी, अभी हम लोग आ चुके हैं तरन तरन गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर में ही है। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं एक गुरुद्वारा, हम अभी जाएंगे अंदर दरबार साहिब के अंदर मत्था टेकने, और आपको भी लेके चलेंगे दरबार साहिब, मिलवाएंगे यहाँ पे, आपको हम दिखा सकते हैं ये नज़ारा। ये तरन तरन गुरुद्वारा है, आप सरोवर देख सकते हैं। और
ये रहा गुरुद्वारा। यहाँ अभी बहुत धुंध जैसा हो रखा है माहौल, बट फिर आपको दिख ही रहा है, बहुत बड़ा है ना सरोवर, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है गाइस। हरमंदर साहिब से भी बड़ा लग रहा है यहाँ का सरोवर। पानी आप देख सकते हैं कैसे लहर रहा है, जैसे हम अभी किसी नदी में हो। चलो हम अभी आपको आगे लेके चलते हैं। वाहिगुरु जी, अभी हम आ चुके हैं तरन तरन गुरुद्वारा। देख लो गुरुद्वारा, यहाँ आप गुरुद्वारे में अभी मत्था टेक सकते हो हमारे थ्रू। हम भी अभी जा रहे हैं अंदर, फोटो खींच के डाल देना। कोई शक है क्या? तुम उठा नहीं रहे हो ना, इसलिए उठा नहीं रहे हो इसलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी ब्लॉग में देखा कि हमने आपको जो चिड़िया दिखाई है वो शायद ही आपने चिड़ियाघर में या कहीं पे देखी होगी। ये यहाँ पे पता नहीं कैसे यूनिक है कह सकते हो। अभी जहाँ पे गुरुद्वारे में हम प्रसाद लेते हैं दर्शन करने के बाद में, मत्था टेकने के बाद, वहाँ पर चिड़िया अपने आप ही आके खुद बैठ के वहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। चलो हम आपको थोड़ा सा सरोवर में लेके चलते हैं, मछलियाँ दिखा देते हैं यहाँ पे अगर दिख रही है तो। ये देखो, वाओ ब्यूटीफुल। चलो हम लोग जल्दी से आगे आगे चलते हैं, नहीं तो हमें ये लोग छोड़ देंगे और हम ब्लॉग। ओ बच गया गाइस, बच गया, कसम से बच गया, मैं अभी गिरने से बच गया। वो वक्त गिर गया, गिरता भी बच गया। काम मत करो, अच्छा तुम पास में मत जाओ वहाँ पे। नहीं जाता, बच गया गाइस कसम से। गाइस देख लो, पतंग भी तैर रही है सरोवर में। चलो जल्दी से हम यहाँ पे अभी मत्था तो हमने टेक लिया है। गुरुद्वारे में अंदर हम शूट नहीं कर सकते, बट आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ सारा एक बार अगेन। गाइस सबसे पुरानी बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं आपको, चलो जूम करके देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है गाइस यहाँ की। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, इस बार हमारे को संभल के चलना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पैर स्लिप हो रहे हैं। आप देख रहे हो पूरा बारिश जैसा माहौल हो रखा है, अभी पूरा वेदर एकदम बारिश जैसा हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकती है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गाइस बहुत ही
बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप विजिट करो अपने पुराने जो शहीद हुए हुए बाबा जी हैं उनका यहाँ पे स्थान है। आओ आप भी आओ, आके विजिट करो यहाँ पे, आप भी दरबार साहिब में आके मत्था टेको। फिलहाल हम कैमरा फ्रंट करते हैं। दोस्तों आप भी आप यहाँ पर आओ, आके विजिट करो और आप भी बाबा जी के गुरुद्वारे में आके मत्था टेको। बहुत ही सुकून मिलता है दिन को, दिल बहुत शांत हो जाता है ऐसी जगह पे आके कि बस क्या बताएं। एक बार आओ, दोबारा जाने का ट्रस्ट में खुद से दिल नहीं करता है गुरुद्वारे आने के बाद में कि आप इतनी दूर आओ और आप फिर जाओ भी, बट क्या करें काम है जाना पड़ता, लेकिन ट्रस्ट में अच्छा नहीं लगता जाना क्योंकि यहाँ पे दिल को इतना सुकून मिलता है ना क्या बताऊँ, पूरा दिल इतना शांत रह जाता है, पूरी तरीके से शांति रहती है और मन खुश रहता है। हमारा सच में रिटर्न जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करें जाना पड़ेगा, काम भी ज़रूरी है। ये हमारी YouTube फैमिली के लिए प्रसाद, ये हमने गुरुद्वारे से प्रसाद लिया है आप सभी के लिए, आप हमारी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो गाइस एक बार कमेंट में ज़रूर वाहिगुरु जी लिखना, दिल को बहुत सुकून मिलेगा हमें कि आपने हमारा ब्लॉग बहुत अच्छे से देखा है, आपने भी हमारी तरह गुरुद्वारे में दर्शन किए हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे आज। तो दोस्तों आप भी आओ, आके गुरुद्वारे में विजिट करो, बहुत अपने शहीदों की निशानियां हैं वो भी आके आप यहाँ पे देखो। परम बोलती है कि मेरे को भी ब्लॉग में लो, पर मैं बोल रहा हूँ कि परम को मैं ब्लॉग में क्यों लूँ, नेट है इसमें। गाइस हमें लगा था पानी बढ़ गया कि है, देखो। हमें इसके अंदर लेयर दिख पानी है। की लहर इतनी लग रही है ना कि हमें यहाँ पे लगा कि पानी के अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है कि कोई अगर जाएगा तो बीच में भी जा सकता, बट आपको मैं दिखाता हूँ अगर दिख रहा हो तो, लाइट लाइट दिख रहा, बहुत ही लाइट दिख रहा, पानी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है पानी, देख लो सपोर्ट है गाइस, सपोर्ट है, बंदा ज़्यादा आगे नहीं जा सकता अगर खुद से भी अगर नहाना चाहे तो सरोवर के अंदर। तो हम लोग जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं और आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं। दोस्तों जो हमारे आगे जा रहे हैं ना, ये भी न्यू मैरिड कपल है, तो चलो हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। इनके पास में बेबी नहीं है, हमारा बेबी लेके घूम रहे हैं, हमारी अवनीत को लेके घूम रहे हैं। तो हमने इनके दो तीन ब्लॉग तो शूट कर लिए हैं प्रीवियस, अगर आप वीडियो में देखा हो तो, आपने अगर स्किप करके ना देखा हो तो चलो हम जल्दी से दोबारा लेके चलते हैं, इनके दिखाते हैं किस तरीके से। वैसे तो खुश हैं अवनीत को लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई ब्लॉग बना रहे तो मैं पकड़ लूँ, बट फिर भी लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं और इनके फेस का इम्प्रेशन दिखाते हैं। तो गाइस फेस के इम्प्रेशन से और स्माइल से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना, सही बात है ना, सही बात। गाइस देखो सरोवर का अंदाज़ा आपने तो देख ही लिया और यहाँ से भी आप देख ही रहे हो सरोवर, आप खुद ही सोचो कितना बड़ा है गाइस। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी हम लोग गुरुद्वारे में हैं तो हमारे पास में अभी सेल्फी स्टिक वगैरह है तो, बट हम
सेल्फी स्टिक के साथ में शूट नहीं कर सकते हैं गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में फ़ोटो शूट करना, वीडियो बनाना लीगली मना होता है, बट फिर भी मैं अपना इतिहास जो भी हमारे वाहेगुरु जी का है हम आपको वो दिखा रहे हैं, आपको इसलिए दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, हमने यहाँ पे दर्शन भी कर लिया है। और अगर किसी मेरे भाई या बहन ने अभी तक दर्शन नहीं करे हैं, गुरुद्वारे के बारे में नहीं पता है, तो मैं वो चीज़ उनको बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं उनको एक जागरूक कराना चाहता हूँ कि आप भी आओ यहाँ पे विजिट करो और दर्शन करो गुरुद्वारे के। जो जो गुरुद्वारे में हम जा रहे हैं जितना हमारे को अभी पता है, हम वो गुरुद्वारे आपको बता रहे हैं, ताकि अगर एक दो गुरुद्वारे आपके नॉलेज में नहीं होंगे तो वो आपको पता चल जाएंगे। तो गाइस, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी आओ, आप भी दर्शन करो गुरुद्वारे में, बहुत दिल को सुकून मिलता है। अभी हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारा साहिब तन तन से, और अब हम जा रहे हैं बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे, तो अब हम वहाँ पे शूट करेंगे। तो अभी आपको ब्लॉग में एक ऑटो वाले भैया हैं, बहुत ही फनी हैं कसम से, मैं आपको उनको भी मिलवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा और इंट्रो भी कराऊंगा। तो गाइस, ऐसे ही ब्लॉग को एंजॉय करना।